सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शिखर चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, टेक्निकल शिखर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MP5 प्लेयर के बारे में। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 7 इंच MP5 प्लेयर। और इस MP5 प्लेयर को मैं आज मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा और मोबाइल के स्क्रीन को मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप मोबाइल स्क्रीन को आप MP5 प्लेयर में देख सकते हैं, मोबाइल किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल के स्क्रीन जो है वो आप MP5 प्लेयर में मिरर कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ये 7 इंच एक मोनिटर है LED। तो देखिए, ये MP5 प्लेयर जिसको कहा जा रहा है, देखिए फुल फॉर्मेट डिकोडिंग MP5 प्लेयर है ये। तो और क्या क्या है, और देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑडियो वीडियो ऑन पावर केबल है, ये देखिए ऑडियो वीडियो केबल है और साथ में ये पावर कनेक्टर है। इसके साथ एक कैमरा भी दिया जाता है। तो फिलहाल मुझे इस कैमरे की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साइड में रखूँगा और मैं अभी इस MP5 प्लेयर को पावर के साथ कनेक्ट करूँगा और ऑडियो वीडियो के साथ भी कनेक्ट करूँगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए इस वीडियो को। देखिए, ये ऑडियो वीडियो कनेक्टर और पावर कनेक्टर को मैं अभी ये कनेक्ट कर दिया। और देखिए, ये पावर यहाँ पे पावर लगेगा और 12 वोल्ट का अडाप्टर हमारे पास है। देखिए, इसको पावर देने के लिए 12 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम ऑन करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस MP5 प्लेयर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद मिरर करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, MP5 प्लेयर को पावर ऑन किया और अब मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चाहिए और एक USB केबल चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो मैं अभी, देखिए मेरे पास एक USB केबल है और उसको मैं अभी ये USB पोर्ट में कनेक्ट करूँगा। MP5 प्लेयर के जो USB पोर्ट है उस पे मैं इस USB केबल को कनेक्ट करूँगा। तो देखिए, MP5 प्लेयर में USB केबल को लगाने के बाद अब मैं अपने जो मोबाइल है, देखिए मेरे पास 2 मोबाइल है और मेरा ये मोबाइल है Redmi Note 5। इस मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगा इस MP5 प्लेयर को और फिर मैं स्क्रीन मिररिंग करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये MP5 प्लेयर को मैं अभी पावर देने जा रहा हूँ। ये देखिए, MP5 प्लेयर को मैंने पावर ऑन किया और ये देखिए फ़ोन डायरेक्ट, ये जो ऑप्शन है MP5 प्लेयर का, ये एक फंक्शन है। इस फ़ोन डायरेक्ट के ज़रिए ही स्क्रीन मिरर करने वाला हूँ इस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को। तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करने से पहले एक एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स अब हमें चेक करना होगा कि ये सेटिंग्स ऑन है कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे मोबाइल के, और यहाँ पे सेटिंग्स में हम जाएंगे, ये देखिए अबाउट फ़ोन में हम डेवलपर ऑप्शन को ऑन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखिए MIUI जो वर्शन है इसको हम 7 से 8 बार टच करते रहेंगे। देखिए, नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। अगर आपके मोबाइल डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो आप 7-8 बार इसको कंटिन्यूसली टच करना है तो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, मेरे पास देखिए एडिशनल सेटिंग्स है और यहाँ पे देखिए डेवलपर ऑप्शन, एक ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, इसको हम ऑन करेंगे। देखिए, ये ऑफ रहता है, इसे हमको ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए USB डिबगिंग, इसको भी हम ऑन कर देंगे। ये दो काम हमें करना है। सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव कर रहा है और उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है और USB डिबग जो मोड है उसको ऑन कर देना है। अब मेरा मोबाइल फ़ोन रेडी है इस MP5 प्लेयर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो मैं अभी ये जो USB केबल है, इस USB केबल को मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगा। देखिए, चार्जिंग पॉइंट पे इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए, कनेक्ट करने के साथ साथ मेरे पास एक नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे आ गया है और देखिए स्क्रीन पे भी एक ऑप्शन आ गया है, डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। और ये देखिए, मेरे मोबाइल पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो USB कनेक्टिंग। तो इसको हम ओके करेंगे और ओके करते ही मेरे
जो मोबाइल का एंड्रॉयड मोबाइल का स्क्रीन है MP5 प्लेयर में देखिए मिरियरिंग होने लगेगा। और ये देखिए जो भी हम करेंगे वीडियो चलाएंगे या फिर कुछ भी हम करेंगे और वही स्क्रीन हमें दिखाई देगा इस MP5 प्लेयर में। तो देखिए मैं YouTube ओपन करने जा रहा हूँ और फिलहाल मेरा जो चैनल है टेक्निकल शेखर, देखिए इस चैनल को मैं ओपन करूँगा और देखिए मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुका है और मैं इस MP5 को अनबॉक्सिंग करने का एक वीडियो पहले बनाया था और उसको आपने देखा और उसी वीडियो को मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाने वाला हूँ। देखिए फुल स्क्रीन में ये वीडियो चल रहा है, ये देखिए फुल स्क्रीन में ये वीडियो चल रहा है, मेरे मोबाइल पे भी चल रहा है और उसी की स्क्रीन ये जो MP5 प्लेयर है इस पे चल रहा है। और ये देखिए इस MP5 प्लेयर को मैं अनबॉक्सिंग करने का एक वीडियो बनाया था जब मैं इसे पहले ख़रीदा था, तो क्या क्या फीचर्स दिया गया है इसमें और किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं पूरा डिटेल्स मैंने बताया था इस वीडियो में। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कैमरा ऑन करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस 7-inch LED डिस्प्ले मोनिटर और MP5 प्लेयर को आप किस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल के साथ USB केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।